नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। अपराध के हजारों रूप, उसी अपराध में एक साइबर अपराध भी शामिल है। उसमें एक बड़ा अपराध एटीएम ठगी का है। आजमगढ़ पुलिस ने एक अंतर जनपदीय एटीएम चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से विभिन्न बैंकों के 6 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का शिकार हुए हकीमुद्दीन ने पुलिस को सूचना दिया कि जो व्यक्ति मेरे साथ एटीएम बदलकर ठगी किया था, वो इस समय इंडिया नंबर 1 एटीएम पर लाइन में खड़ा होकर लोगों से सहानुभूति दिखाकर आगे पीछे हो रहा है और किसी को अपने जाल में फंसाने की फिराक में है। पुलिस तुरंत एटीएम बूथ पर पहुंची। पुलिस को देख ठग भागने लगा, जिसको पुलिस ने दबोच लिया। जिसके पास से विभिन्न बैंकों के 6 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। देखने में एटीएम कार्ड क्लोन किए हुए लगते हैं। इस संबंध में एसपी आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। ये देखिए, रामविलास राजभर है, जो हमारे दीदारगंज थाने का टॉप 10 का अपराधी भी है। इसके पहले भी एटीएम क्लोनिंग और एटीएम संबंधित अपराध पहले भी 2015 से कायम है। इस पर गैंगस्टर भी लग चुका है, लुटेरा रहा है ये, और फिर ये 6 लोगों का एटीएम कार्ड इस पर मिला हुआ है। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं कि वो एटीएम कार्ड किसके हैं, क्लोन किए हुए हैं या कहीं से मैनेज किया हुआ है। जैसा ये बता रहा है कि इसका एक दोस्त भी है इस गैंग में, उसने दिया है, लेकिन चूंकि इसका आपराधिक इतिहास है, इसके पॉकेट से मिला हुआ है, ये गिरफ्तार किया गया है। जो ये 2-3 लोगों के और नाम बता रहे हैं, उनके लिए हमारी छापेमारी चल रही है, हमारी टीम गई है, जल्दी उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ये पेशेवर है, ये पूर्णतः रहने वाले हैं? ये दीदारगंज का रहने वाला है, टॉप 10 का अपराधी है, पेशेवर है, लूट के मुकदमे हैं, पहले भी आईटी एक्ट के मुकदमे एटीएम संबंधित इस पे कायम हो चुके हैं। अभी आज इसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें इसके पॉकेट से दूसरों के एटीएम कार्ड मिले हैं, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं देख करके कि वो एटीएम कार्ड क्लोन किए गए हैं और एटीएम स्वाइपिंग के ये कार्ड हैं। पहले जेल जा चुके हैं? हाँ, पहले जेल जा चुके हैं, गैंगस्टर का मुकदमा है इनके, लूट पे भी मुकदमा है। हमारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।